कीवर्ड मतलब वो क्वेरी जिस पे हम रैंक करना चाहते हैं। ये तो हमने देखा है। अगर स्ट्रेंज है तो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे रैंक करना चाहेगा। हम थोड़ी चाहेंगे कि कोई कोई बेचारा ढूंढ रहा है बेस्ट डॉक्टर इन नासिक और स्ट्रेंज दिख रहा है, कोई फायदा है? अरे कोई फायदा नहीं। हमारे लिए जो कीवर्ड्स क्वेरीज हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो जिन क्वेरीज पे आपको रैंक करना है वो हैं आपके कीवर्ड। अगर मैं टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी चला रहा हूँ और मैं मुंबई नासिक कैब सर्विस रन करता हूँ, तो मुंबई नासिक कैब सर्विस इज माई कीवर्ड। पीपल आर गोइंग टू टाइप दैट क्वेरी एंड आई विल रैंक। ठीक है, तो कीवर्ड इज द क्वेरी जिसपे कि हमें रैंक करना है। तो आपका पॉइंट पहला होगा लोकल एसईओ का, कि ऐसा आप क्या करें जिससे हम रैंक करेंगे। पहली चीज, राइट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विथ कीवर्ड्स। पहला पॉइंट, मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। ये वो स्टेप्स हैं जिससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव करती जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेप्स लिख दे रहा हूं। राइट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विथ कीवर्ड्स, एड मल्टीपल कैटेगरीज, अपलोड मिनिमम 30 फोटोज, जियो टैग, जियोग्राफी से आया है वो, जियो टैग एंड रीनेम फोटोज बिफोर अपलोड, गेट मिनिमम 10 रिव्यूज, पोस्ट मिनिमम 1 पोस्ट पर वीक। अच्छा, इसमें से दो तरह के काम होते हैं। सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब काम, वो काम जो हमें सर्च इंजन पे रैंक करवाएं जिससे हमारी रैंकिंग, हमारा पोजीशन इंप्रूव। वो काम दो तरह के काम होंगे। एक ऐसा काम होगा जो वन टाइम होगा और एक ऐसा काम होगा जो रेकरिंग होगा, है ना, जो रेकरिंग होगा। जैसे बचपन में पिटाई आपकी रेकरिंग है, आप गलती किए मार खाया जा रहा है, शादी तो एक ही बार होगी। वन टाइम वर्क एंड रेकरिंग वर्क, दो तरह के काम होते हैं। तो इसमें से वन टाइम वर्क जो है मैं उस पर ओ लिखूंगा और जो रेकरिंग है उस पर आर लिख दूंगा। जैसे राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन इज वन टाइम वर्क, आपको एक ही बार लिखोगे, आप बार बार थोड़ी डिस्क्रिप्शन चेंज करते रहोगे, दैट इज वन टाइम वर्क। मल्टीपल कैटेगरीज ऐड करना वन टाइम वर्क, ये वन टाइम है। अपलोड मिनिमम 30 फोटोज, ये मिनिमम 30 है, कंटिन्यूअस फोटो अपलोड करते रहना चाहिए, दैट इज वाई इट इज रेकरिंग वर्क। जियो टैग एंड रीनेम फोटोज बिफोर अपलोड, इट इज रेकरिंग वर्क, ये हमेशा करते रहना पड़ेगा। गेट मिनिमम 10 रिव्यूज, ये भी रेकरिंग काम है, रिव्यूज लेते रहना रेकरिंग काम है, पोस्ट पब्लिश करना रेकरिंग काम है। रेकरिंग मतलब हमेशा करते रहना पड़ेगा।